बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आप सभी सुंदर साहब जी के धाम हृदय में विराजे श्रीराज श्यामा जी के चरणों में श्री श्री प्रणाम। सुंदर साहब जी, आप श्रीराज जी श्यामा जी के मेह से श्री परिक्रमा ग्रंथ पर श्रवण और मनन कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जोहर दास महाराज की टीका से प्रकरण नंबर 3 चल रहा है और आज पढ़ना है 77 चौपाई से, 76 चौपाई से। सीज्या श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवो खंड सवन, दूजे भवन किनारे बाएं हाथ, कबू कबू श्रृंगार करे इत सार। इत खरकली जल हिलोले, धनी साथ झीले झपोले, इत श्रृंगार करके खेले, थोर जुदे जुदे जुथ मिले। नव भूमो में सब सखियों के लिए सिज्या और श्रृंगार के अलग अलग मंदिर। बाहरी हार जो 6-6 हजार मंदिरों की दो हारे आई हैं, वो श्रृंगार के मंदिर भूम दर भूम नव भूमिका में, नवी भूमिका में नहीं कह सकते क्योंकि नवी भूमिका में वहां पर दूरदर्शिका की शोभा हुई, लेकिन भूम दर भूम एक मोटे रूप से कहा जाता है कि श्रृंगार के मंदिर भारी 6-6 हजार मंदिरों की दो हारे। और ठीक मध्य नव चौक का भी ठीक मध्य चौक, उनमें शयन के मंदिर और श्यामा महारानी की शयन का मंदिर भी। अब आते हैं दूसरी भूमि में बाई और बुलवनी के मंदिर हैं, और भूलवन्नी के मंदिरों के ठीक मध्य एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है जहां पर श्रृंगार होता है। यहाँ खड़ोकली की चबच्चे का जल लहरे लेता है, इत खड़ोकली जल हिलोले, धनी साथ झीले झकोले। श्रीराज जी और सखियां मिलकर यहाँ जल क्रीड़ा करते हैं, जिनसे जल में अनेक लहरें बनती हैं। सखियां अपना श्रृंगार करके न्यारे न्यारे जुत में मिलकर यहाँ खेलती हैं। श्री रंगमहल की दूसरी भौम, लाल चबूतरे से पूरब की ओर चलते हैं तो 110 जो मंदिर आए हैं, उन 110 मंदिरों के भीतर की तरफ यहाँ जो चौदस हवेली का पहला फिरावा आना था, वहां पर भूलबनी के मंदिर आए हैं। चार चौरस हवेली की चार हार, 16 हवेली जहां आनी थी, वहां पर भूलबनी के मंदिर, 110 मंदिरों की 110 हारे। और ठीक मध्य 100 मंदिर का चौक, जिनमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, 1 मंदिर की परिक्रमा, 110 मंदिरों की 110 हारे। और इन मंदिरों से जब बाहर निकलते हैं उत्तर दिशा की ओर, तो दो थंबों की हार 3 गली, भीतरी हार मंदिर पार किया, फिर दो थंबों की हार 3 गली, बाहरी हार मंदिर पार किया, एक सीढ़ी उतरकर और वहां से सीधा दौड़ते हुए खड़कली में आ सकते हैं। तो लीला का वर्णन, इत खड़ोकली जल हिलोले, धनी साथ झीले झपोले, इत श्रृंगार करके खेले, और जुदे जुदे जुथ मिले। दूजी भूम में जहाँ भूलवनी के मंदिर है, यहाँ खड़ोकली का जल लहरे लेता है। श्रीराज श्यामा जी मिलकर यहाँ जल कीड़ा करते हैं, जिससे जल में अनेक लहरें बनती हैं। और सखियां श्रृंगार सज, इन मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सज खड़ोकली में आती हैं और धनी संग झीलना करती हैं। साम सामी मंदिर के द्वार, नव भूम फिरती किनार, ता बीज थम्बू की दोए हार, कई रंग नग तेज अपार। श्री रंग महल की नव भूमिका में 6-6 हजार मंदिरों की दो कतारें हैं, दो पंक्तियां हैं। 6-6 हजार मंदिरों की दो हारे, जिन्हें श्रृंगार का मंदिर कहा गया, इनकी दो हारे।
स्तंभों की दुहारी, कई रंग नभ तेज अपार, रंग भवन की नवो भूमिका में 6-6 हजार मंदिरों की दुहार है। इनके द्वार परस्पर आमने सामने हैं और उन मंदिरों की पंक्तियों के मध्य 2 पंक्तियां स्तंभों की हैं और उनमें विभिन्न रंगों का, विभिन्न रत्नों का तेज भरा है। नजर पहुंचाते हुए 6-6 हजार मंदिरों की जो दो हारे किनार पर आई है श्री रंग महल की, ये बाहरी हार और ये भीतरी हार। अब इन दोनों हारों के मध्य 2 थंबों की हार 3 गलियां आई। अब एक-एक थंब की शोभा भी देखें तो कई रंगों, रत्नों से, नभों से जड़ा एक-एक थंब, अनेका अनेक नभों से जड़ित थंब, उनकी मेहराबे और इन मंदिरों के द्वार बिल्कुल साम सामे। यह हमारा शिव जी ने हाथ से नक्शा बनाया, यहाँ पर भी देखो बिल्कुल साम सामी, एक सूत भी इधर से उधर नहीं है, साम सामी। इस तरह से लेवे तो भी दरवाजे साम सामी और आमने सामने लेवे तो बिल्कुल आमने सामने बराबर दरवाजों की झलका। जीती मैं कही जो पाई सो देख देख आत्म न आघाई, या बाहर या अंदर एक रस माहौल मनते। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि जीती मैं कही जो पाई, कि रंग भवन की जितनी सामग्री का वर्णन किया है सो देख देख आत्म न आघाई, उन्हें प्रत्यक्ष देख देख के आत्मा तृप्त नहीं होती है। या बाहर या अंदर एक रस माहौल मन दे, रंग महल के अंदर या बाहर अर्थात जो वनों की तरफ मंदिर है सब आनंद देने वाले हैं, एक रस है सदा सर्व सुख के दाता। कहती हूँ करके हेत सारे दिन की ए विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित अपना जीवन है नित। आप श्री महामती जी फरमा रही हैं, मैं परम धाम के पूरे दिन की दिनचर्या का वर्णन प्रेम पूर्वक करती हूँ। कहती हूँ करके हेत यही अपना जीवन है, नित्य जीवन है, तुम अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कीजिए। श्री धाम की 8 पहर की भीतर श्री रंग महल में 8 पहर जो किशोर आनंद लीला हो रही है, अब उसका वर्णन। तीजी भोग की जो परशाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सींचत अमृत अघा। रंग महल के मुख्य द्वार के ऊपर तीसरी भूमिका में खुला स्थान बहुत ही शोभायमान है और प्रातः शिवराज जी इस स्थान पर आकर अपनी अमृतमय दृष्टि से वनों को सींच कर तृप्त करते हैं। तीजे भूम की जो परशाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, तीजी भूम की परशाल का वो स्थान बताया गया। ये धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदे सहित चढ़कर जब 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे आए तो इन चौक की छत 2 भौम ऊंची और दाएं बाएं चबूतरे 2 भौम की। इन मध्य चौक और चबूतरों पर जो एक छत आती है वही तीजी भौम की परछाल है। तीजी भौम की जो परछाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जो बड़ा दरवाजा है धाम दरवाजा, उनकी छत पर तीजी भोन की परछाई है। धनी आवत है उठी प्रात, वन सींचत अमृत अघा। धाम धनी 5वीं भोम से चौथी, चौथी से 30वीं भोम आते हैं और इन 28 स्तंभ की चौक से होते हुए ये 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा पार करते हैं, आगे दहलान और तीजी भोन की परछाई में आते हैं। और इन परशाल में इन हीरा की मेहराब के तले युगल पिया शिवराज श्यामा जी अंतोक्षत के साथ खड़े होते हैं और दाएं बाएं हम सब सखियां।
उस सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षियों की जुत उमड़ती है। धनी उन्हें अमृत में नजरों से सींचते हैं। वन आए हैं, जो माहौल आए हैं, उन्हें भी अमृत में नजरों से सींचते हैं। उन समय बड़े बड़े वन मोहलाते झुक कर धनी चरणों में सिजदा करते हैं। पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठ करे श्रृंगार, सखियां करावे मनहार। जहाँ पशु पक्षियों का गाना बजाना अर्थात मुजरा होता है, उसे श्री राजी स्वीकार करते हैं। सबको अपनी शीतल दृष्टि से सुख प्रदान करते हैं। मन को हरण करने वाले ऐसे हमारे शिवाजी महाराज को चार मंदिर की दलान में सखियां श्रृंगार कराती हैं। शिवाजी इन दो मंदिर की हीरा की बड़ी मेहराब तले खड़े हैं। उस सामने चांदनी चौक में पशु पक्षियों के जुत उमड़ते हैं। उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। हाथियों के झुंड के झुंड, घोड़ों के झुंड, वो एक ही स्थान पे हजारों लाखों मोरों का नृत्य, बंदर बजंत्र बजाते हुए अपनी अपनी मिसल मर्यादा में खड़े। और इन समय आकाश भी सिजदे में झुकता है। जमुना जी का जल भी अपनी मर्यादा छोड़कर धनी चरणों में सिजदा करता है। पवन भी सुगंधित छोंके धनी के चरणों से स्पर्श करके सिजदा करती है। और इन प्यारी सी लीला के अपराध धाम धनी इन चार मंदिर की दहलान में आई इन सुंदर चौकी पर विराजमान होते हैं। और चार सखियां उन्हें श्रृंगार सजाती हैं। नजरों ही नजरों में पिया को श्रृंगार सजाना, युगल पिया का नक्श से शिख उन सोने स्वरूप का फेर फेर दीदार, चरणों में झांझरी घुंघरी का भी कंडला, हस कमल में अंगूठियां, कलाई अंग में पहुंची कड़ा, बाजू में बाजू बंद, उनके कंठ में उनके हेड़े में झूलते वो सुंदर हार, श्रवण अंग में बाला, नासिका में बेसर। और पिया जी ने कितनी प्यारी पाख बांधी है, उन पर कलंकी दुगदुगी, नजरों ही नजरों में सिंगार। और कभी सेवा का दिल तो खूब खुशहालियों के जुत उमड़ते हैं। नूरी थाल में आभूषण सजा के लाते हुए, कई झांझरियां खूब सारी, कई घुंघरियां अंगूठियां, रुच रुच के धनी को आभूषण धारण कराना। पीछे बैठ करे श्रृंगार, सखियां करावे मनहार। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाटोर, चार चार सखिया श्रृंगार करावे श्यामा जी धनी जी के पास आ। मंदिरों की जो दूसरी पंक्ति है उसमें श्री श्यामा जी का आसमानी रंग का मंदिर है। चार चार सखिया श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं और श्यामा जी श्रृंगार करके श्रीरा जी के पास आती हैं। तीजी भोग की पड़ताल में है मुख चांदनी चौक की ओर, तो दाहिने हाथ को मंदिरों की दूसरी हार का पहला मंदिर आसमानी मंदिर। इन मंदिर में सुंदर और नूर की चौकी पर सखियां बड़े प्यार से श्यामा महारानी को विराजमान कराती हैं और उनका श्रृंगार बड़े प्यार से श्यामा महारानी जी को श्रृंगारित करना, उनकी नखों का तेज, उनके चरण अंग, अंगूठी में अनवर, अंगुलियों में नूरी बिछिया, झांझरी घुंघरी का भी कदला,
अति सुंदर उनके वस्त्र, हस कमल में अंगूठियां, कभी दोनों अंगूठों में आरसी तो कभी एक में आरसी, एक में कंचन का छल्ला। और श्यामा महारानी जब इन आरसी में अपना श्रृंगार निहारती हैं तो उनका अंग अंग पुलकित होता है, श्रृंगारित होता है कि श्यामा जी हमें निहार रही है। कलाई अंग में पहुंची नव घड़ी, कंचन के डोरे, नव चोर, कंकरी और बाजूबंद, हीरे स्थल पर उनके हार, कंठसरी, रानी हार, श्यामा जी का मुखार में उनमें छाई मस्करी, मस्तक पर बेंदा, शीश कमल पर राखी, श्रवण अंग में जाले, नासिका में मौली। चारचूर सखिया श्रृंगार करावे, श्यामा जी शिव धनी जी के पास आवे। और श्रृंगार करते समय शिरा जी और श्यामा जी युगल पिया एक दूजे को तिरछी निगाहों से निहारते हुए, उनके मुखार बिंद का वो उल्लास, वो प्रसन्नता, और श्यामा जी संपूर्ण श्रृंगार सज अब राज्य की ओर चलती है। शोभा क्यों कर कहूं या मुख, चित में लिए होत है सुख, चित दे दे समारा सीधी, हेत कर कर बेनी होती। श्री श्यामा जी की शोभा का वर्णन किन मुख से हो, हृदय में धारण करने से ही परम आनंद का अनुभव होता है। सखिया बड़े चाव से बालों को संभालती है और बड़े प्रेम से वेणी गूंथती है, मिनो मिनी श्रृंगार करावे, एक दूजे को भूखन पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी की मन भावे। 6-6 हजार मंदिरों की बारी हार में जो मंदिर आए हैं श्रृंगार के, उनमें सखियां भी श्रृंगार करती हैं, एक दूजे को आभूषण पहनाती हैं। कभी श्रवण अंग में झाला पहनाना, कभी मस्तक पर बिंदी सजाना, कभी बड़े प्यार से बाल संवारना दूजी सखी के, बड़े प्यार से उनकी बीनी गूंथना, साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। वे भी श्रृंगार करके श्यामा जी के साथ साथ राज्य के निकट जाती है, और सखियों का श्रृंगार श्री राज्य की इच्छा अनुसार होता है। सैया लटपतियां करी चार, जो धनी मन होत रसा, सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी के सयाने। अब इन समय अर्शे मिलावा श्री राज्य की ओर जा रहा है, 28 स्तंभ के चौक से होता हुआ श्यामा महारानी और उनको घेर के धाम की सखियां। तो सखिया कैसे अपनी लटकनी मटकनी चाल से चलकर राजी के पास आती है, जिससे राजी प्रसन्न हो, और ऐसी बोली वचन बोलती है जिससे राजी को आनंद हो। सभी सखियां एक दूसरे से चतुर हैं। उनकी मीठी मीठी चाल, मीठी मीठी वाणी, सैया आवत करे झनकार, पाए भूखन भोम ठमकार, झलकतिया रे मलपतिया, रंग रस में चैन करतिया, रंग रस में चैन करतिया। सखियां शिरा जी के पास आते समय झांझरी और घुंघरी की झनझन की आवाज करती हुई आती है। सखियों के पांव में आभूषण पृथ्वी पर बहुत भारी ठमकार देते हैं, चरण अंगूठे में अनवट और अंगुलियों में बिछिया भूमि पर ठम ठम की आवाज देता है। सखिया मस्त चाल से प्रकाशित करती हुई राज्य के पास आती हैं। वे अपनी चाल से प्रेम रूपी रस को लेके आनंद करती हुई आती हैं। श्री श्यामा जी के साथ सखिया उन समय उनके चरणों की
वो प्यारी सी शोभा, उनके नखों की झलकार, उनके वस्त्रों की झलकार, आभूषणों की चमकार, अनवट बिछिए की थमकार, कैसी अरसी मिलावा धनी की ओर जा रहा है, अर्श मिलावा ले चली अपने संग शोभा। कंठ कंठ में भाव धर दिया, चित एक दूजे को भर दिया, सुंदरिया रे शोभतिया एक दूजे को वहां ससतिया। और इन समय सखियां गले में बाहें डालकर परस्पर हास विनोद कर रही हैं, एक दूजे के हृदय को आकर्षित कर रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं। उनके इस समय बड़ी शोभा है, परस्पर एक दूजे के साथ हास विनोद कर रही हैं। कई फलंग दे उछलतिया, कई फूल लता जो फेरतिया, कई हल्के हल्के हालतिया की मालतिया मचकतिया, कई सखियां छलांगे लगाती हुई उछलती हुई चल रही है, और कई सखियां हाथों में फूल की बेले लिए हुए घुमाती हुई चल रही है। इन पिक्चर में देखी यही नासूत की पिक्चर में शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करी कि एक सखी हाथ में फूल लेके घुमा रही है और घुमाते हुए चल रही है, तो ऐसे कई सखियां हाथों में फूल घुमाते हुए चल रही हैं बस चाल से, तो उन समय कैसे फूलों की पंखड़ियां बिखरती हुई गुरु की इच्छा अनुसार सब सखियों पर फूलों की बरखा। अब रू चाहती है कि मेरे ये फूल श्यामा जी के चरणों में वंदन करें, शिवा जी के चरणों में वंदन करें, मेरा प्रणाम कहें, तो फूल भी उनकी दिल की चाहना अनुसार कुछ सुंदर लीला करते हुए धनी चरणों को चूमते हुए। कई हल्के हल्के हालतियां, कोई धीरे धीरे चल रही है, धाम धनी श्री राज श्यामा जी, कभी श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार, कभी राजी का, धीरे धीरे उन स्वरूप को निहारते हुए कदम बढ़ा रही है। कई मालतियां मशकतियां, तो कई उन मस्ती में इतनी मस्त है कि मस्त होके लटकनी मटकनी चाल से चल रही है। कई आवत है ठेलतियां, जुत जल लहरा जो लेवतियां, कई आवे भमरी फिरतियां एक दूजी पर गिरतियां, और इन समय एक दूजे को धकेल भी रही है, जैसे जल में लहरें उठती हैं वैसे लहरों की भांति जुत के जुत आती हुई शोभा ले रही हैं। अनेक सखियां गोल घूमती हुई आती हैं और एक दूजी पर गिरती हैं। मनमोहन रसानंद सागर में सद्गुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी वर्णन करते हैं, इन समय सखियां बड़ी प्यारी चाल से कोई धीरे धीरे, कोई फूल मटकाती, कोई छड़ी घुमाती, और सबकी चाह एक ही ना कि धनी की नजरें श्यामा जी की नजरें मुझ पर हों, तो कोई इस प्रयास में एक दूजे को गिराती हुई प्रेममयी लड़ाइयां करती हुई वाद विवाद करती हुई कि श्यामा जी की निगाहें हम पर आए। कई सीधियां सलकतियां, कई वे दावे जो चलतियां, सखी एक दूजे के आगे आए आए के चरणों लाते। तो सीधी सीधी चाल से चलती हुई आती है, कोई विविध प्रकार की चाल से, ऐसे सब सखियां श्री श्यामा जी के संग श्री राज जी के पास आती हैं और दौड़ दौड़ के एक दूजे से आगे निकलकर धनी के चरणों में प्रणाम करती हैं। इत बड़ा मिलावा हुई जुदी रहे ना या समय कोई, कोई छज्जो कोई माली, कोई छज्जो कोई जाली, कोई मोहलो कोई माली। यह तीसरी भूमि के छज्जे पर सखियों की बड़ी जमात एकत्रित होती है आरोहण के वास्ते। सखियां विभिन्न स्थानों पर तीसरी भूमि के छज्जों पर, कोई पहली हार मंदिर की झरोखों पर है, कोई जालियों में है, कोई छतों पर बैठ के आरोप रही है मेवा मिठाई, बड़े प्यार से आरोप।
इत चार घड़ी लो बैठे, मेवा मिठाई आरो क्यों थी। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर। शिराजी यहाँ चार घड़ी तक बैठते हैं, मेवा मिठाई अरो की यहाँ से दाहिनी ओर। नीला पीला मंदिर के सामने चौक में स्थित सिंहासन पर विराजते हैं। आरोपी की लीला के बाद दाहिनी तरफ श्री रंग महल में है, तो दाहिने हाथ की ओर ये जो दूसरा मंदिर है नीलो न पीलो मंदिर, उसके ठीक सामने इन कठेड़े को पीठ दिए सिंहासन की शोभा। श्री राज श्यामा जी इन सिंहासन पर विराजते हैं और उनका मुख इन नीलो न पीलो मंदिर की तरफ होता है। इत चार घड़ी लो बैठी, मेवा मिठाई आरोप की उठी। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर। आए बैठे ताके अंदर, चौपाई नंबर 92। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सब सुंदर साथी की जय।